पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है तो समझना। अब क्या है ये सेंटर ऑफ मास, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखना यार, ऐसा मानो कि हमारे पास बहुत सारे मास है, ठीक है, बहुत सारे मास है। मान लो जैसे ये मास है, इसका हर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक ऐसा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, जैसे कि सपोज करो मुझे एक रॉड दिया गया है, ठीक है। अब मैं बोला कि मुझे रॉड को लिफ्ट अप करना है बिना इसका ओरिएंटेशन चेंज किए हुए। मुझे इस रॉड को लिफ्ट अप करना है बिना इसका ओरिएंटेशन चेंज किए हुए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार एक काम करते, एक थ्रेड यहां बांधते, एक यहां उठा लेंगे ऐसे। अब मैं तुमसे बोला कि इन तीनों के जगह, तीनों थ्रेड की जगह एक कोई ऐसा रस्सी बताओ जहां पे हम जोड़े और इस रॉड को उठाए तो भी इसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो, बता सकते हो? इसको हटा दो, बीच में एक ऐसा पॉइंट ले लो जिसके अबाउट अगर तुम इस रॉड को उठाओ तो इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट को ही इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट हम अगर किसी चीज को लिफ्ट अप करें तो उसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने बोला यार मेरे पास एक रिंग है, सपोज करो मैंने बोला इस रिंग को उठाओ, तुम बोले यार यहां एक थ्रेड बांध दो, एक थ्रेड यहां बांध दो, एक थ्रेड यहां बांध दो, एक यहां बांध दो, ऐसे थ्रेड बांध दो बिना ओरिएंटेशन चेंज किए तुम उठा सकते हो। मैंने बोला इसके जगह एक थ्रेड सेंटर में बांधो और उठा लो, क्या इस रिंग का ओरिएंटेशन चेंज होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा कोई एक पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज ना हो, ऐसे पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। जैसा माना जा सकता है कि इसका सारा मास, इस पूरे रॉड का, इस पूरे रिंग का सारा मास पर्टिकुलरली ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि इस पॉइंट पे ही कंसंट्रेटेड हो। इस रिंग का सारा मास ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, तो बोल देंगे कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास ये हो गया, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ये सेंटर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है। सबसे पहली बात तो यार कंफ्यूजन होता है, एक चीज बताता हूं। सबसे पहली बात हमें कंफ्यूजन होता है कि यार सेंटर ऑफ मास है क्या। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास हमारा एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है। जैसे कि देखो ये कॉपी है, इस कॉपी को मान लो मुझे घुमाना है। अब देखो इस कॉपी को मैं एक सेंटर के अबाउट बैलेंस कर दे रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास इस कॉपी का कहां आ गया? बिल्कुल सेंटर पे आ गया, बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि मैं बिल्कुल सेंटर के अबाउट इस कॉपी को घुमा दे रहा हूं विदाउट इसके ओरिएंटेशन को चेंज किए बिना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक कोऑर्डिनेट जो कि किसी बॉडी पे भी लाइक कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाइक कर सकता है, इस रिंग के लिए ये पॉइंट उसके बाहर लाइक कर रहा है। तो ऐसा कोई एक इमेजिनरी पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट अगर मैं उस बॉडी को उठाऊं तो उसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इस रॉड के लिए उसका पॉइंट ये सेंटर था, इस रिंग के लिए यहां पे था। इस रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास इस रॉड के ऊपर लाई कर रहा था, इस रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास इस रिंग के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, रिंग के बाहर लाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है पॉइंट पे आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो क्या, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, इट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है। कभी ये मत बोला कि सेंटर ऑफ मास कोई मास है, ये गलत बात है। सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं है, एक पॉइंट है, स्पेस में एक पॉइंट है जहां पे ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि हर बॉडी, सारे बॉडी का मास वहीं पे है। ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि उस सारे बॉडी का मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। इट इज जस्ट अ पॉइंट, जस्ट अ कोऑर्डिनेट, इट मे लाई ऑन द बॉडी
ये बॉडी के ऊपर भी लाई सकता है, कर सकता है, और मे नॉट लाई ऑन दी, ये बॉडी के ऊपर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है. इट मे लाई ऑन द बॉडी, इट मे नॉट लाई ऑन द बॉडी, दोनों केस पॉसिबल. ये बॉडी के ऊपर भी लाई कर सकता है और बॉडी के ऊपर नहीं भी लाई. रॉड वाले केस में ऊपर लाई कर रहा था, रिंग वाले केस में ऊपर लाई नहीं कर रहा है. आड़ी बात सुन में. तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या है, इट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो कि बॉडी के ऊपर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है. तो अब हम लोग सीखने वाले हैं उस पॉइंट को निकालना, कि आखिर सेंटर ऑफ मास निकाले तो निकाले कैसे, कैसे निकाले सेंटर ऑफ मास को, आओ इसकी आज बात करते हैं. बहुत सिंपल होता है सेंटर ऑफ मास निकालना, और कई बार इस पे मेंस और आईआईटी में सवाल पूछ चुका है, बट बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है. तो फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास की अपन बात करते हैं. अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और एक होता है कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट. दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डिस्क्रीट. डिस्क्रीट बोले तो क्या होता है, डिस्क्रीट बोले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझना, पॉइंट ऑब्जेक्ट या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट. अब पॉइंट मास सिस्टम के लिए, पॉइंट मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ मास एक क्वांटिटी है, तुम्हें पता होना चाहिए. तो जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो स्पेस में मेरा बहुत सारा पॉइंट है, मास है, ये मास m1 है, इसका क्वांटिटी मान लिया मैंने x1 y1, ये मास m2 है, इसका क्वांटिटी मान लिया x2 y2, ये मास m3 है, इसका क्वांटिटी मान लिया x3 y3. मुझे बोला कि भाई ये सब इसके मासेस हैं. सबसे पहले मुझे बोला कि यार मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ पॉइंट मास के लिए. हम पहले किसकी बात करें, पॉइंट मास के लिए. फॉर्मूला याद रखना, बाकी कोई लफड़ाई नहीं. फॉर्मूला क्या है, एक्स सी ओ एम डिफाइंड होता है, क्या डिफाइंड होता है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये होता है एक्सियम. सिमिलरली वाई सी एम डिफाइंड होता है एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस, डिफरेंशियल है ये सेंटर ऑफ मास निकालने का पॉइंट मास सिस्टम के लिए डिफरेंशियल है. इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो भाई एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा बोले तो समेशन, सम एम आई एक्स आई एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ऐसे डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एम आई प्लस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. सिमिलरली वाई सी ओ एम इक्वल टू सिग्मा ऑफ एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा ऑफ, ये भी होता है तरीका. ये तरीके हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने का, ये तरीका है, ऐसे अपन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट. आ रही बात समझ में. तो बिल्कुल सिंपल मेथड याद रखो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल बनने ही बनने हैं. एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं, इसमें बहुत सारी बातें हमें जाननी है कि क्या होता है, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल चीज होता है सेंटर ऑफ मास, बहुत कंसेप्चुअल चीज होता है. देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा बट बहुत कंसेप्चुअल है. और बात करते हैं आखिर क्या है ये कंसेप्चुअल चीजें सेंटर ऑफ मास के बारे में, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे अपन बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या बोला यार, स्पेस में कोई पॉइंट है दो, मान लो 1 केजी का है 1.2 पे, एक 2 केजी का है 3.4 पे. मैंने बोला फाइंड सीओएम, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है 0.0, ये एक्स हो गया ये वाई. मुझे बोला फाइंड सीओएम, बहुत सिंपल है सीओएम निकालना. हमने बोला m1 into x com will be m1 into x1 m2 into x2 upon m1 plus m2 7 upon 3. Similarly y com equal to m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. ये मेरा आ गया एक्सियम, ये मेरा वाई सीओएम. कहीं कहीं मान लो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, एक्सियम कितना आ गया, सीओएम का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सेवन बाई थ्री कॉमा टेन बाई थ्री कोऑर्डिनेट आ गया.
मैंने बोला था सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? एक बात बताओ, सपोज करो मैंने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, मैंने बोला कि मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट ना हो, कि मैंने एक नया वाला इमेजिनरी कोऑर्डिनेट मान लिया, ये है मेरा वाई और ये है मेरा एक्स। क्या अभी भी इस इमेजिनरी कोऑर्डिनेट को मानने पे क्या इसका कोऑर्डिनेट 1.2 होगा? गलती से भी मत बोलना कि इसका कोऑर्डिनेट 1.2 होगा। क्यों नहीं होगा 1.2? क्योंकि अब नए वाले कोऑर्डिनेट के लिए ये ओरिजिन से अलग दूरी पे है, तो कोऑर्डिनेट बदल गया। ये अलग दूरी पे है, कोऑर्डिनेट बदल गया। और अगर कोऑर्डिनेट इन दोनों का बदल गया तो एक्सियोम और वाईसीओम भी बदल गया। तो यार एक्सियोम और वाईसीओम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्सियोम और वाईसीओम कोऑर्डिनेट एक्सिस के चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि कभी भी वो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा एग्जामिनर जिसमें तुम्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस न देकर और वो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का पूछ ले। एग्जाम्पल अभी मैं दिखाता हूं क्या अंतर होता है चीजों में। अभी समझना अंतर क्या होता है। जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, देखना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझना। जैसे मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं कि सपोज करो मेरे पास दो मास है, एक मास है M1, एक मास है M2, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। मैंने तुमसे बोला फाइंड COM, सेंटर ऑफ मास बताओ। एक बंदा आया, उसने बोला यार मैं इसको चुन लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसी मास को चुन लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने बोला यार ये 0.0 है, मास भी कुछ मान ही लेते हैं अपन, मान लो ये 1 kg है और ये मान लेते हैं 2 kg, मान लेते हैं। उस बंदे ने आया और बोला मैंने ओरिजिन चुन लिया है, ये अगर ये ओरिजिन चुना है तो ये मास कितनी दूरी पे है, ये कितना हो गया कोऑर्डिनेट 2.0, वो हो गया 0.0 और ये हो गया 2.0। उस इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं एक्सियोम, एक्सियोम इज इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, 3, ये आ गया 4/3। सिमिलरली YCOM M1Y1 M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2। ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ x में है, इसका सिर्फ x ही है, तो YCOM तो ऐसे ही 0 होना है, 4/3। एक नया बंदा आया, उसने क्या बोला, सेम सवाल को मैं अलग कोऑर्डिनेट मान के सॉल्व करना चाहता हूं। उसने बोला कि मैं बिल्कुल बीच से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, बिल्कुल बीच से, ये है 0.0, 2 मीटर है तो ये है -1.0। उसने ऐसा बोला, हमने बोला ठीक है भाई, 0 के ये लेफ्ट में है तो -1.0, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे उसने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस काट ली, फिर से एक्सियोम निकाला। बताओ क्या आएगा एक्सियोम? एक्सियोम आ जाएगा, देखना M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, 2 में से 1 गया तो 1/3। सिमिलरली YCOM जब उसने निकाला, देखना जरा गौर से, 1 × 0 प्लस 2 × 0 अपॉन 3, ये तो 0 ही आएगा, YCOM तो 0 ही आएगा, सब कुछ x पे ही है। ये 1/3 निकाला, ये 4/3 निकाला, क्या दोनों कोऑर्डिनेट सेम आया, अलग आया? अलग आया। यही मैं बोलना चाह रहा था कि कोऑर्डिनेट दिए बिना अगर वो सवाल तुमसे ये पूछता है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो गलत पूछ रहा है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट दिए हुए
वो कभी भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नहीं पूछ सकता, क्योंकि ब्लंडर हो जाएगा। आर ये बात सुन में, तो जब भी वो तुमसे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने पूछेगा तो वो तुम्हें एक्सिस देगा कि बेटा इसको एक्सिस मानो तब बताओ। तो कभी कभी एग्जामिनर दिमाग लगाता है। अब सुनना वो दिमाग क्या है। मैंने बोला यार इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने निकाला है 4/3 और वाई है 0। मतलब पक्की बात है कि इससे दूरी कितनी होगी, इससे दूरी कितनी होगी, ऑब्वियस बात है 4/3 ही होगी, 0 से m1 से दूरी हो गई 4/3, पक्की बात है। m2 से दूरी कितनी होगी, तो m2 से दूरी होगी यार 2 - 4/3 बोले तो 6 - यानी 2/3 आ गया। सेंटर ऑफ मास का 2 kg से दूरी है 2/3 और 1 kg से दूरी है 4/3। मैंने बोला यहां पे, यहां देखो सेंटर ऑफ मास है 1/3, 1/3 बोले तो यहां पे 1 kg से इसकी दूरी बता सकते हो। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg, ये है 1 और ये है 1/3, तो ये दूरी आ गई 1 + 1/3 यानी कि 4/3। अरे ये टोटल 1 है, ये है 1/3, तो ये बची हुई दूरी आ गई 1 - 1/3 यानी कि 2/3। दोनों केस में सेंटर ऑफ मास का इंडिविजुअल मास से दूरी सेम है, दोनों केस में सेंटर ऑफ मास का इंडिविजुअल दोनों मास से दूरी सेम है। यानी कि इससे निकला एक कंक्लूजन कि सेंटर ऑफ मास का दूरी मासेस से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा कोऑर्डिनेट अलग था लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास का 1 kg से दूरी 4/3 है, सेंटर ऑफ मास का 1 kg से दूरी 4/3 है, 2 kg से दूरी 2/3 है, 2 kg से दूरी 2/3 है। सेंटर ऑफ मास की दूरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती है। सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है इंडिविजुअल मास से वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से जब एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछेगा तो वो तुमसे बोलेगा कि 1 kg से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ, 2 kg से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ, वो तुम्हें कोऑर्डिनेट देगा नहीं। तब हमें मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या चॉइस लूं कोऑर्डिनेट का, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या मानूं कोऑर्डिनेट एक्सिस का चॉइस। आ रही बात में ध्यान रखना, अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं देगा तो वो पक्की बात यही पूछेगा कि 1 kg या 2 kg या m1 से दूरी बताओ सेंटर ऑफ मास की, m2 दूरी बताओ सेंटर ऑफ मास की। चाहे कोई कुछ भी कोऑर्डिनेट एक्सिस माने, दूरी तो इंडिविजुअल मासेस से सेंटर ऑफ मास की सेम होगी। तो आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं, अगले लेक्चर में फिर अपन सेंटर ऑफ मास निकालने पर ही आगे बात करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।